रामनवमी के महापर्व पर कैंट गली स्थित भारत सेवाश्रम संघ मंदिर में पिछले 14 सालों से माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है। दशमी के अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस मौके पर बंगाली समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से माँ की पूजा अर्चना करने के साथ एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माँ दुर्गा को विदा किया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी स्वामी निश्रेसानंद ने कहा कि इस बार देश में संकट की घड़ी में माँ संकटमयी संकट हारिणी माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व को भारत को कोरोना रूपी राक्षस से संकट मुक्त करें। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुजारी स्वामी निश्रेसानंद ने कहा, कहे थे उनको स्वामी निश्रेसानंद भारत सेवा संघ के गुरुपुर शाखा के संचालक हूँ। माता जी का स्थापना का वर्ष है, 14 वर्ष चल रहा है, इस बार 14 वर्ष हुआ है। हर साल ऐसा होता है कि माता जी का जो आविर्भाव है वो दुर्जन को नाश, दुश्मन को नाश और धर्म और राज्य विस्तार के लिए ये माता जी की पूजा होती है। लेकिन इस बार इतना देश की संकट, समाज में संकट और जनता के इतना परेशानी है कोरोना के वजह से, जिसे सब मिल करके हम लोग माँ के चरण में प्रार्थना किया, पूजा पाठ किया, हवन भी किया कि इस संकट की घड़ी में सभी को शांति, निरोग और मंगलमय हो, सबको मंगल करे। इसका ये उद्देश्य था, माँ जगत जननी है, जगत कल्याण के लिए आती है, खास करके अखंड भारत, धर्म प्रचार और दुश्मन के विनाश के लिए ये माँ की पूजा किया जाता है। आज कल नवमी था, आज दशमी है, माँ की विसर्जन तिथि है। नवमी में भगवान रामचंद्र जी रावण को विनाश किया था, उसके बाद ही दशमी में उन्होंने विसर्जन दिया था। उसी को परंपरा को मानते हुए हम लोग भी कल भी संधि पूजा के साथ माता जी को पूजा पाठ किया, हवन भी किया और आहुति भी डाले हैं। सबके कल्याण के लिए मंगल का प्रार्थना करते हुए आहुति डाला था। आज इस विजय दशमी है कि हम लोग इस वर्तमान जो दुश्मन है इसके विजय प्राप्त करने के लिए, आप विजय भी होंगे, सब मिल करके चलेंगे तो विजय होंगे। तो उसी के हिसाब से माता जी को ले करके विजय दशमी का जुलूस निकाल कर चलता हूँ और प्रोत्साहित करता हूँ जनता को कि सरकार की दिया हुआ दिशा निर्देश मानते हुए सभी को सुविधा हो, सभी की बचाए और खुद को बचे, उसी के आशा लेकर के आज ये जुलूस जा रहा है, विसर्जन के जुलूस है दशमी का। और माता जी का आज विसर्जन करना है, कल हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, आज माता जी को विसर्जन करना है और उसी के हिसाब से जुलूस निकल के जा रहा है।